जो ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है और मिड हिमालय है। अब ये जब तीनों हिमालय की फॉर्मेशन हो गई इस तरीके से, आपको पता है कि सारे के सारे हिमालय कैसे माउंटेन है, दीज ऑल आर फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन। और फोल्डेड माउंटेन कब, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है तो फोल्ड बनते हैं, और फोल्ड बनने से बीच में वैली बनती है, और वैली से फोल्डेड माउंटेन बन गया। तो ये आपका ट्रांस हिमालय बना, ये आपका ग्रेट हिमालय बना, मिड हिमालय, और उसके बाद बाद बन गया आपका कौन सा, ये मिड हिमालय हुआ, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय। अब देखो हुआ क्या, इसके बाद आपका बनेगा शिवालिक, कौन सा माउंटेन बनेगा, शिवालिक माउंटेन। होता क्या है कि जब रिवर इस एरिया से, इस पूरे रीजन से फ्लो करती है, पास होती है, नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर रेत बजरी सब आगे लेकर बढ़ती है। जो पेलियोसिन एज था, उत्तर अभिनूतन काल था, पोस्ट पेलियोसिन एज था, उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि जब रिवर आगे फ्लो की ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय से, तो नदी ने अपने जो पत्थर कंकड़ है वो एक जगह वो इकट्ठा करती गई करती गई। एक टाइम के बाद उनका डिपोजिशन होता गया होता गया होता गया, और उस डिपोजिशन के बाद एक हिमालय बन गया जिसका नाम क्या था, शिवालिक हिमालय। मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूं ज्योग्राफी का, मैं यहां पर ज्योग्राफी को लेकर नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों का क्लियर कर रहा हूं। अगर आप शिवालिक हिमालय को देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान का जो पोटवार बेसिन है वहां से यह शुरू होता है, आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा ये हिमाचल में एंट्री करता है, ये पंजाब में एंट्री करता है, ये आपको दिखाई देगा आगे की तरफ हरियाणा में एंट्री करता है, उत्तराखंड के अंदर एंट्री करता है, और उसके बाद होते होते ये असम तक ब्रह्मपुत्र वैली तक चला जाता है। इसी को नॉर्थ ईस्ट के अंदर नॉर्थ ईस्ट हिमालय बोलते हैं, जहां पर बहुत सारी पहाड़ियां, बहुत सारे हिली एरियाज पाए जाते हैं, जैसे अभोर, मिरी, डफला, मिसमी, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये सभी के सभी जो है वो शिवालिक का हिस्सा है।